नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की बहस पूरी करने की नई समय सीमा तय की है। शीर्ष अदालत ने मामले के सभी पक्षकारों से कहा कि वो 17 अक्टूबर तक बहस पूरी कर लें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहस पूरी करने के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की थी। अब बहस पूरी करने के लिए एक दिन कम कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 37वें दिन भी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई जारी रही। रेवाड़ी से नामांकन भरने के आखिरी दिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रशांत यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन करने के पूर्व आयोजित जनसभा में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला, जहां निर्दलीय प्रत्याशी ने जनसभा में राजनीतिक खिलाड़ी की तरह चुनावी भाषण दिया। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी अपने विचार रखे। और राजनीति रूप लेखा कुछ नहीं है। सब साथियों से विचार विमर्श करके लगा दिया है कि एक एक वोटर के पास जाएंगे, घर घर डोर टू डोर जाएंगे और सबके अलग जताएंगे कि जो जन भावना के अनुरूप भाजपा ने टिकट नहीं बांटी, भाजपा ने अपना घमंड जताने का काम किया है। इस घमंड को तोड़कर और जन भावना के अनुसार अपना प्रत्याशी चुनने का इस इलाके की जनता काम है। और क्या मुद्दे रहेंगे क्षेत्र की? क्षेत्र के मुद्दे तो आप जानते हो, इसकी यहाँ घोषणा हुई वो कहीं लटका हुआ है। रेवाड़ी बाईपास बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जो लटका हुआ है। आपकी सिवरेज व्यवस्था की किस प्रकार के हालात है ये आप जानते हैं। जो रेवाड़ी में हाउस टैक्स फिर लागू कर दिया, उससे सब शहर में रोष है, शहरवासी परेशान हैं। आपकी धारणा में भिवाड़ी से गंदा पानी आता है, बस स्टैंड की जर्जर हालात है, अनेक अनेक मुद्दे हैं। अगर मैं यहाँ गिनवाने लगूँ तो ये सचिवालय की दीवार कम पड़ जाएगी, रेवाड़ी की समस्या कम नहीं रहेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार सिंडिकेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोएडा सेक्टर 62 में 2 दिवसीय ग्राहक उन्मुक्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिंडिकेट बैंक के महाप्रबंधक डीएस बेदी श्री एस विजय कुमार और एसबीआई के महाप्रबंधक श्री बरकत अली ने किया। इस आयोजन में सिंडिकेट बैंक द्वारा आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से लोगों का आधार कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपने स्टॉल लगाकर लोन और डिजिटल लेन देन की जानकारी दी। नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं लाइव 24। जी हां, मैं एक स्टेटमेंट कोट करना चाहूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, जो कि हाउडी मोदी में अमेरिका में उन्होंने कहा। किसी ने उनसे पूछा केम छू, तो उन्होंने कहा मजा मचू। जब वो ये इस बात को कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये बात मैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी की तरफ से कह रहा हूँ। ये बात सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कह रहा है, ये बात हिंदुस्तान का एक एक सिटीज़न कह रहा है। उसी बात के मद्देनज़र आज हमारे साथ मौजूद है बेदी साहब, जो सिंडिकेट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। बेदी जी, जो इकोनॉमी की बात हो रही है, ओपोजिशन बार बार ये कह रहा है, बाकी लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बड़ा मंदा है धंधा, आपको क्या लगता है? यू आर रिप्रेजेंटिंग बैंक, धंधा कैसा है, मंदा है या ठीक है? जैसे अभी आपने बताया आदरणीय मोदी जी के बारे में, वो अभी यूएस की यात्रा पे थे, इससे पहले वो गल्फ की यात्रा भी गए हैं। उनकी तरफ से पूरे प्रयास ये हैं कि बाहर की जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इंडिया में लेके आया जाए और नए काम धंधे शुरू किए जाएँ। इकॉनमी में थोड़ा सा GDP की थोड़ी सी कमी आई थी, शायद उसका प्रोसेस कुछ जैसा ट्रांजिशन फेज होता है उसके कारण है। लिक्विडिटी के लिए करंट जो मार्केट में कहा जा रहा है कि मंदा है, वो उस चीज़ को दूर करने के लिए या उस चीज़ को दरनिकार करने के लिए ये प्रयास सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से है कि सभी बैंकों की मुहिम दी गई है कि आप पहले फेज़ में 250 चयनित जिलों में आप जाइए तथा अपने कस्टमर्स को पहुँचने की कोशिश कीजिए। इसको हम ऋण मेला ना मान के ये करें कि किस कस्टमर को किस तरह की लिक्विडिटी का क्रंच है, क्योंकि ये साफ स्पष्ट किया गया है रिजर्व बैंक द्वारा कि बैंकों में किसी तरह का कोई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। जनमानस को जहाँ जहाँ पैसे की ज़रूरत है, बिजनेस के लिए, खेती के लिए, खुदरा व्यापार के लिए, उसके लिए बैंक हमेशा उपलब्ध हैं। उसी मुहिम के तहत ये 3 और 4 तारीख को अक्टूबर की इस माह में ये कैंप यहाँ लगाया गया नोएडा में,
एक्सपो मार्ट में, जिसमें यहाँ पे इस समय 35 बैंक, जिसमें प्राइवेट बैंक भी हैं, सारे नेशनलिस्ट बैंक भी हैं, तथा 4-5 NBFC हैं, आधार सेंटर खोला गया है। ये सब कार्य इसीलिए किए गए ताकि जनता, आम पब्लिक जो यहाँ तक पहुँचे और उन तक एक मैसेज पहुँचाना जा रही है गवर्नमेंट की, लिक्विडिटी की कोई क्रंच नहीं है, आप अपना कार्य कीजिए, अपने अपने विश्वास रखिए, इकोनॉमी है एकदम से बढ़ चढ़ के आगे निकल के आएगी। वंडरफुल, ये देखा गया है कि बहुत सारे अमीर लोग, नीरव मोदी की बात करें, मेहुल चौकसी की बात करें या विजय माल्या की बात करें, हजारों करोड़ रुपया लेकर के वो बाहर भाग गया। और एक समय ऐसा था जब गरीब ये सोचता था कि हम बैंक के पास जाएंगे तो सिर्फ फॉर्म भरेंगे और वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा, उसे पैसा नहीं मिलता। उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में आपने ये बात कही, बहुत बहुत मुबारकबाद है, कॉन्ग्रेचुलेशन है। लेकिन आपको क्या लगता है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो गरीब हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, क्या आपका बैंक उनकी मदद करता है, क्या प्रोसेस? जी हाँ, IBA द्वारा एक योजना जो एजुकेशन लोन जिसको हम बोलते हैं, शिक्षा ऋण के बारे में, वो सभी बैंकों पे मान्य है। इवन हमारे सिंडिकेट बैंक में शिक्षा स्कीम, यहाँ भी वो मान्य है। उसमें जो गरीब बच्चे हैं जिनका एजुकेशन लोन का खर्चा मात्र 4 लाख तक आता है, उसमें सिर्फ एजुकेशन लोन जो बच्चा ले रहा है उसके हस्ताक्षर और उसके पेरेंट्स के, फादर या मदर के हस्ताक्षर द्वारा बिना किसी सिक्योरिटी के वो ऋण दिया जाता है। अगर ये ऋण 4 लाख से बढ़कर 7.5 लाख तक है, उसमें एक थर्ड पार्टी जो घर का बाहर का सदस्य हो, उसकी मात्र गारंटी पे दिया जाता है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई मकान या कोई ज़मीन को बंधक नहीं रखा जाता। हाँ, 7.5 लाख से ऊपर का अगर ऋण है, उसके लिए IBA द्वारा प्रस्तावित जो स्कीम है उसके तहत वो जो है एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसकी वैल्यू जो है ऋण की वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा हो, बस उसको रखा जाता है। वो इसलिए कि ताकि समय आने पर उसको रिकवरी में बैंक को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हमारा कोशिश ये रहती है कि बच्चा जिसके लिए ऋण ले रहा है वो उसी से अपना पैसा अर्जित करके उसको वापस करे। इसके अलावा सिंडिकेट बैंक ने एक और प्राइम स्कीम बनाई है, जिसमें हमने 20 लाख तक का ऋण का प्रावधान किया है उन बच्चों के लिए जो बहुत हाई इंस्टीट्यूशन जाते हैं, जैसे आप कह लीजिए बिट्स पिलानी में जाते हैं या IIM कलकत्ता अहमदाबाद में जाते हैं, उनके लिए हमने इंस्टीट्यूशन किए जिसमें 20 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेते हैं। इसी तरह हमारा ऋण 20 लाख से ऊपर निकलता है तो वो IBA की गाइडलाइन से ऊपर निकल भी हम करते हैं, उसमें हमारा ऋण 20 लाख से ऊपर को कोई लिमिट नहीं है। जिस हिसाब से बच्चे को ज़रूरत है, जिस हिसाब से सिक्योरिटी दी जाती है, उसके हिसाब से ऋण दिया जाता है। बेदी साहब, ये बच्चे कब से EMI पे करते हैं, वो रिटर्न कब से होता है? जैसे ही उनका सेशन जो ख़त्म होता है उसके बाद उनको एक मॉनिटरिंग पीरियड दिया जाता है। अगर बच्चे की नौकरी 6 महीने के अंदर लग जाती है तो भी उसको 6 महीने का मॉनिटरिंग पीरियड मिलता है। अगर उसकी नौकरी नहीं लग रही 6 महीने तो 1 वर्ष का मॉनिटरिंग पीरियड है, 1 साल बाद उसका किस्त बकाया शुरू होता है। अक्सर ये देखा गया कि जो किसान है वो बीज को लेकर के, बिजली को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो ट्रैक्टर लेते हैं, मवेशी लेते हैं, उसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, बैंक को रिटर्न नहीं कर पाते हैं। और आपने देखा, ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे किसान आत्महत्या किए हैं। एक बहुत मेजर फैक्टर है, महाराष्ट्र में हो गया, आपका साउथ में हो गया, बहुत सारे जगह में है। क्या बैंक एज अ फ्रेंड, एक दोस्त की तरह, क्या उसको मॉनिटर करता है कि उसकी परेशानी क्या है? क्या आपकी कोई काउंसलिंग भी होती है? क्योंकि वो डर जाते हैं, बैंक वाला जब जाता है तो उसको लगता है कि अब पुलिस आएगी और वो सिर्फ बिहाइंड बार्स हो जाएंगे। तो इस डर से, इस दहशत में गरीब लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। मेन ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको लगता है इसको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, अवश्य सॉल्व किया जा सकता है। हमें बहुत दुख होता है जब हमें कहीं ये पढ़ने को मिलता है कि फलां जगह पे किसी किसान ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि वो ऋण को अदा नहीं कर पाया है। ये बहुत एक दुर्भाग्यवश पोजीशन होती है बैंकर्स लोगों के लिए भी, कि अगर किसी किसान को दिक्कत है, इसलिए भारत सरकार ने स्टेट वाइज जहाँ जहाँ उनको लगता है कि यहाँ पे बाढ़ की पोजीशन है या यहाँ पे सूखा की पोजीशन है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी मीटिंग होती है, जिला अधिकारी अध्यक्ष महोदय और उनके अंतर्गत जो जिला कृषि अधिकारी होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि अन्नावरी डिक्लेयर करते हैं कि इस एरिए में सूखा पड़ गया है या यहाँ पे बारिश की वजह से या ओलावृष्टि की वजह से, तो उस जो ऋण को है वो कन्वर्ट कर देते हैं टर्म लोन में। और उस टर्म लोन में कन्वर्ट करने के बाद भी उस किसान को दोबारा से खेती के लिए फिर ऋण मुहैया कराया जाता है। मोदी जी का ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
क्या ऐसा कोई स्कीम है जिसके माध्यम से एक तो वर्किंग जो गर्ल्स है उनको कुछ आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं जो बच्चियां पढ़ रही है उनको सपोर्ट करने का कोई, ताकि वो इंडिपेंडेंट, क्योंकि फाइनेंशियली जब वो केपेबल नहीं होते तो उनका एक्सप्लॉयटेशन चालू हो जाता है, ऐसा कोई शॉर्ट में बता दें कोई स्कीम है आपके पास? हमारी जो शिक्षा ऋण की हमारी पॉलिसी है उसमें हमने गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल रखा है कि उसको 0.75% मतलब 3/4% का वो ब्याज में उसको कमी रखी है हमने गर्ल चाइल्ड के लिए, एजुकेशन के लिए। अगर वो गर्ल चाइल्ड मान लीजिए पिछड़ी जाति से हैं, जनजाति से हैं, तो ये परसेंटेज बढ़ के 1% तक जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू लाइव 24। थैंक यू लाइव 24 का उन्होंने ये मौका दिया और वो यहाँ पे आए और हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से बेदी जी ने इन सारी बातों को क्लैरिफाई किया। आज मुझे ऐसा लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को देखने के बाद और अधिकारियों से बात करने के बाद एक चीज़ महसूस हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें की हैं लेकिन अवेयरनेस की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, इसलिए राहत सही लोगों तक सही वक्त पे नहीं पहुंच पाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लाइव 24। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं कि जो भी बैंक जिस डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक है, अग्रणी जिला बैंक है, उसको RCT रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में एक इंस्टीट्यूट को रन करना है जिसमें हमें रूरल पुअर और डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को ट्रेन करना है डिफरेंट ट्रेड्स में जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और उसके बाद उनको इस तरह से तैयार करना है उस स्पेसिफाइड पीरियड में जिसमें कि वो अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर शुरू कर सके और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। बैंकों में आजकल जो है कस्टमर के साथ में बहुत सारी जो है असुविधाएँ, जैसे कि फ्रॉड होता है, कई सारी फ्रॉड्स कॉल्स आती हैं जैसे कि उसमें जो है ग्राहकों का पैसा डेबिट हो जाता है और वो सही तरीके से डेबिट हो, जो साइबर क्राइम जो होता है उसमें भी हम लोगों को जो है अवेयर करते हैं, जैसे उनको कहते हैं कि क्योंकि बैंक और कस्टमर इन दोनों के बीच में जो है जो सावधानी होती है सबसे पहले तो हम उसको बताते हैं। मैं ग्राहक को ये बताता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये अपने दिमाग में शेयर करके रखें कि कभी भी बैंक का कर्मचारी या बैंक ग्राहक से कभी भी अपनी गोपनीयता जो भी जानकारी रहती है वो फ़ोन पर कभी नहीं पूछता है, या तो ग्राहक को बैंक में आना पड़ता है या फिर बैंक का कर्मचारी ग्राहक के पास जाता है, बस इतना ग्राहक को याद रखना है। इसके बाद जैसे कि आपका कोई लॉटरी निकला हुआ है या आपको जो है ये कार मिलने वाला है, आपको ये गिफ्ट निकला हुआ है, फेक कॉल्स जो आती हैं उनको हम सभी जो है अवेयर करके बताते हैं कि आप लोग ऐसी कॉल से जो है आप बचें, अपना एक CVV कोड जो है, अपना रुपे कार्ड जो होता है उस रुपे कार्ड से भी जो है आप सभी कोई भी अपना ना तो CVV कोड बताएं, ना एक्सपायरी डेट बताएं, ना उसका MPIN बताएं, कभी भी ऐसी जो है कोई भी अपनी गुप्त सूचनाएं जो है कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अग्रणी बैंक का कार्य मेन यही होता है कि बैंक गवर्नमेंट की स्कीमों को बैंक के माध्यम से किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से चैनलाइज किया जाए, ये लीड बैंक करता है। इसके अलावा हमारे पास सिंडिकेट बैंक के पास सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एक व्यक्ति को, एक ग्राहक को सिर्फ अपनी आवश्यकता को सोचना है, सिंडिकेट बैंक का कोई ना कोई प्रोडक्ट उसके सामने उसकी आवश्यकता को पूरा करता हुआ समक्ष रहेगा। मैंने अभी पीछे CDO ऑफिस में, सभागार में एक प्रोडक्ट अवेयरनेस वीक लगाया, वहाँ पे सभी अपने प्रोडक्ट के बारे में सभी लोगों को बताया कि सिंडिकेट बैंक का ये प्रोडक्ट है, आप अपनी आवश्यकताओं को बैंक के साथ पूरा करें, ताकि आप उस कार्य को सिर्फ मेरा अपने ग्राहकों से जन मानने से ये अनुरोध है कि वो जिस कार्य के लिए लोन लें, जिस कार्य के लिए लेन लें वो एक्टिविटी करें और उससे कमाएं, प्रॉफिट कमाएं और बैंक की किस्त टाइम पे देके, ताकि बैंक भी उस धारा में जुड़ा रहे, विकास की धारा के साथ जुड़े, और जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और जैसे ही वो अपने कार्य करेंगे और व्यापार को बढ़ाएंगे 100% GDP ऊपर जाएगा और ये नेशन को हम इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो सिंडिकेट बैंक सर जुड़ा हुआ है अपने कार्यों को, और आज का ये जो कार्यक्रम चल रहा है ग्राहक उन्मुखता कार्यक्रम, इसमें हम ग्राहकों के साथ संपर्क साध रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम बैंक आपके द्वार पे है, बैंक आपके पास आया है, आप जो है अपने उनकी सुविधाओं का, उनकी योजनाओं का पूरा पूरा लाभ उठाएं और ग्राहकों को पूरी तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के ADM रविंद्र कुमार ने खुर्जा तहसील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ADM ने तहसील के कई पटलों को खंगाला जिसमें काफी खामियां पाई गई। एक महिला कर्मचारी अमिता सागर 2 महीने से ज्यादा समय से अनुपस्थित पाई गई जिसकी जांच की जा रही है।
वहीं WPN पटल में पाई गई खामियों में सुधार के लिए खुर्जा तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। आज SDM खुर्जा और डिप्टी कलेक्टर मोनिका सिंह के साथ खुर्जा तहसील के कुछ पटलों का औचक निरीक्षण किया गया। सबसे पहले सब ट्रेजरी ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया, जहां उपस्थित पंजिका को देखने से स्पष्ट हुआ एक स्टाफ इनकी अमिता सागर पिछले 2 महीने से अधिक टाइम से अनुपस्थित पाई गई हैं। वो अब ये क्लियर करना कि 2 महीने अनुपस्थित हैं, उनका वेतन निकला नहीं निकला, ये क्लियर करके अगर वेतन निकला होगा तो उनके खिलाफ़ भी, जिन्होंने वेतन निकाला होगा और अनिता सागर, दोनों के खिलाफ कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तावित की जाएगी। होशियारपुर के तलवाड़ा में BBMB चेयरमैन DK शर्मा ने 300 मेगावाट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिस पर BBMB की ओर से 1,48,00,000 रुपए खर्च किए गए। चेयरमैन ने बताया कि हम जल्द ही तलवाड़ा की सरप्लस पड़ी भूमि पर बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए 25 साल के लिए लीज पर भूमि दी जाएगी, जिसके बाद BBMB भूमि वापिस ले लेगी। देखिए, BBMB के जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, सारी बिल्डिंग्स में हमने BBMB में कोशिश की है कि सोलर रूफटॉप पावर प्लांट्स लगाएं। अभी तक हम 40 बिल्डिंग्स में लगा चुके हैं और आने वाले समय में कुछ और 20 बिल्डिंग्स में और प्रोसेस में है, वो लग जाएगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी लागत आएगी? देखिए, ये वाला जो प्रोजेक्ट है तो छोटा सा है, 300 किलोवाट का है, लेकिन हम यहाँ पे काफ़ी हमारे पाइपलाइन में 3-4 और स्कीम्स हैं जो आज मैंने सुबह भी रिव्यू की है। हमारे मेंबर पावर जो है चुक साहब रोज़ ही रिव्यू करते हैं, तो उसमें हम लैंड बेस्ड भी यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं, जो उनकी क्षमता लगभग 2 मेगावाट का एक होगा, 4 मेगावाट का दूसरा होगा और 11 मेगावाट का तीसरा होगा। उनकी सारी रिपोर्ट्स हम जो है 30 नवंबर से पहले तैयार करके हम पेड़ा को उसके टेंडर के लिए बोलते। सरायकेला जिले के चौड़ा गांव के लोगों का आरोप है कि राशन डीलर भूपेन रजक लाभार्थियों को राशन और केरोसिन तेल सही से नहीं दे रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं इस पूरे मामले में ग्रामीणों का कहना है कि जहां हम सितंबर का राशन ले रहे हैं, वहां वो अक्टूबर की एंट्री कर रहा है। इसे देख ग्रामीण भड़क उठे और डीलर से दिए जा रहे राशन और उठाव की जाँच की मांग करते हुए अनाज लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं, पिछले 6 महीने से उन्हें डीलर की ओर से केरोसिन तेल नहीं दिया जा रहा है और कार्ड में एंट्री बराबर की जा रही है, और पूछने पर राशन डीलर उपभोक्ताओं से हमेशा दुर्व्यवहार करता है। उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर विधायक, सांसद और अफसरों से पहचान होने की धौंस भी दिखाता है। वहीं लाभुकों ने विभागीय अधिकारियों से डीलर के राशन उठाव और वितरण की जांच की मांग की है। इस मामले पर राशन डीलर भूपेन रजक ने कुछ भी साफ साफ बताने से इनकार कर दिया है। चावल जो है आपको हर महीना देने का है, सरकार का प्रावधान है, लेकिन ये हर महीना नहीं देता है, महीना आपको पार करके ही देता है। और ये जब मिट्टी तेल वाला बात है तो हमको लग रहा है कि 6 महीने से हमको नहीं मिट्टी तेल हम लोग ये किए हैं, ना लाता है ना देता है। वहीं थाना सिकंदरा पुलिस ने ठगी और धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये गैंग पुराने खजाने में निकली सोने की ईंटों के नाम पर लोगों को ठगा करते थे। पकड़े गए दोनों सदस्य राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। दोनों का नाम नियाज और संजय बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस गैंग को टटलू गैंग के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। जनपद आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में टटलू गैंग की एक कुछ एक्टिविटी का पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके विषय में पुलिस द्वारा इसको गंभीरता से लिया गया और इसका पूरा खुलासा किया गया एवं टटलू गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। ये गैंग में मोहम्मद नियाज और संजय, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। इनका मुख्य तौर पर काम यह था कि ये पहले लोगों को ठगने का प्रयास करते थे, जिनको नकली सोने की ईंट दिखा करके और उसको खुदाई में मिली ईंट बता करके उसको बेचने का प्रयास करते थे, और जब कोई इसका टेस्टिंग करता था तो कोने से जो टुकड़ा काट के देते थे वो हिस्सा असली रहता था, बाकी पूरी ईंट ये नकली रहती थी। इस प्रकार ये कई घटनाएँ मेवात, हरियाणा, दौसरिया, भरतपुर आदि में किया था, और इसमें पास से मोटरसाइकिल, एक नकली सोने की ईंट जिसका वजन 636 ग्राम है, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए।
खबरों में आगे बात बांदा की करेंगे, जहां पुलिस ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर एक रिटायर्ड दरोगा कल्लू प्रसाद की बाइक सवार लुटेरों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दरअसल मृतक अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैंक से पैसे निकालने आया था, तभी गांव के ही छोटेलाल और राम सुधीर उनके पीछे लग गए और जैसे ही ये पैसे निकाल कर बैंक से बाहर आए तो दोनों ने हमला बोल दिया। पैसे लेकर भाग रहे लुटेरों में से एक लुटेरे को मृतक के लड़के ने दबोच लिया और दूसरा फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। पापा को लेके पैसे निकलाने पेंशन आए थे, वो रिटायरमेंट दरोगा तो उनकी पेंशन लेने के लिए हम स्टेट बैंक आए थे, तो वहाँ पर पापा जैसे थके हुए थे तो हम थोड़ा सा बैठा दिए था, तो गांव का ये काम सुधीर नाम का व्यक्ति और उसके साथ एक नंग, तो मैंने दोनों को एक बार चलते हुए वहाँ से गुजरा हुआ देखा। जब पापा का जब पैसे निकाल लिए, मतलब जब वापस वहाँ से निकले हम पापा को लेके, तो वो घात लगाए बैठे थे पापा से 50,000 रुपये जबरदस्ती छीन लिए जैसे ही, और दो तीन मुक्का जल्दी जल्दी पापा के यहीं मार दिए, तो पापा मृत्यु। फिर इसके बाद अभी तक कोई पकड़ गया? सर एक व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया था जर्मों के, वो पब्लिक के बीच में वहीं कचहरी में सर। कौन से बैंक से निकाला था? बैंक से कौन से निकाला? स्टेट बैंक। हुआ है मामला ये रही कि पेंशन निकाल रहे हैं, आओ फिर पेंशन निकाल कर बस काका थी जो वहाँ निकाल कर लाए हैं 50,000, तब बस हमारी ही भाषा को मारी आदमी का, तो मैं कहा था महारानी हम मारे रहो तो कहीं भक्तियों का है। इसने मारा है कौन है क्या नाम? राम सुबीर ना है, आया का ना है कोटेदार, उसका ना है ननकू। अभी एक 70 साल की करीब उम्र है, सैनिक अवस्था में लाए गए, ये निवाइस गांव है, पहलानी थाना जगह का नाता है, वहाँ से लाए गए, हमारे यहाँ अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए, और ये परिजनों का ये आरोप है कि ये बता रहे थे कि ये बैंक में पैसा निकालने गए, वहाँ छीना झपटी में कुछ बदमाशों ने इनको मारपीट की है और पैसा ले गए, तो वही इनकी मौत मौके पर हो गई है। बाड़ी को पोस्टमार्टम करवा के भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि जो है मौत कैसे। आगरा के थाना नायकी मंडी स्थित जिला मुख्यालय से एक मामला सामने आया है, जहां न्याय की गुहार लगाने पहुंची युवती ने आत्मदाह की कोशिश की। दरअसल युवती ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवती को बचा लिया और उसके बाद युवती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आगरा आत्मदौला के यमुना ब्रिज स्थित श्री मध्यानंद अनाथालय से भी युवती के साथ रेप की वारदात का मामला सामने आया है, जिसके चलते युवती ने यपना में छलांग लगा दी, लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। किशोरी ने आरोप लगाया है कि आश्रम के एक युवक और दो नाबालिग ने उसके साथ रेप किया। पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम आगरा, हम बोतला के रहने वाले हैं और अब आगरा में रहते हैं। दो तीन साल की आई थी मैं यहाँ पे आश्रम के अंदर, और मुझे आश्रम बहुत अच्छा लगता है, कहीं जाना नहीं चाहती हूँ मैं। मेरे साथ बलात्कार हुआ था और मेरे भाई बहनों को पता नहीं थी, मैंने किसी को बताया नहीं था, इसलिए कि मैं सीधी थी, मैं डरती थी, सब लोगों से डर के रहती थी, और स्कूलों में जाती तो शांति से बैठी रहती थी। वहाँ पे यही लोग रहते हैं अभी भी और हमेशा रहेंगे यहीं पे, नहीं अब तो निकल जाएंगे क्यों, आप लोग निकाल दोगे इन लोगों को। अच्छा वहाँ पे पढ़ते हैं या काम करते हैं? पढ़ने भी जाते हैं, बच्चे जाते हैं आगरा वनस्थली विद्यालय जमुना ब्रिज आगरा, और क्या नाम है, नाम क्या है आरोपी का? आरोपी का क्या, गलत काम किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भरत भैया सोनू सुमित। मैं जमुना जी में कूद गई थी, मेरे भाई ने मारा था संजय ने, मैं उससे मना कर रही थी, क्या नाम है, मेरे को मार मत, मैं कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, और मेरे को भगवान जी ने बचा लिया और जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उनने बचाया है मेरे को। हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, चूंकि हम लोग बहुत एक्टिव हैं, हिंदू महासभा बहुत एक्टिव है, हर मामले में हमें कार्यकर्ता सूचना मिली कि ऐसा ऐसा एक मामला हुआ, उस मामले को दबाया जा रहा है,
जब हमें जब सूचना मिली रौनक हमारे जिलाध्यक्ष है इनकी टीम सक्रिय हुई और हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन के बाद ये लड़की जब देखी लेडी रमेश का मेडिकल चल रहा था और ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने जो इसकी नींव रखी थी इस आश्रम की उस आश्रम में पूरे आगरा जिले के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के कलेक्शन आता है पूरे देश से चंदा आता है और वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके से बलात्कार किया है कान खोल के सुन ले प्रशासन अच्छी तरीके से और कान खोल के सुन ले ये आश्रम वाले अगर इस लड़की को इंसाफ नहीं मिला अभी जिनने जो नाम बोले हैं मीडिया के आगे अब इस मामले को दबने नहीं देंगे ऐसे और भी जो कई बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है ऐसे लोग जो बलात्कार हम मांग कर रहे हैं प्रशासन से इसको तुरंत गिरफ्तार करें अन्यथा हम थाने का घेराव भी करेंगे और आश्रम भी जाकर हमें जो कर सकते हम लोग करेंगे लेकिन बहन बेटी को जिस तरीके से माँ बाप नहीं है और जो 16 साल की लड़के बलात्कार कर रहे हैं ये हम किसी भी कीमत में नहीं चलेंगे प्रशासन हमें गिरफ्तारी चाहिए तुरंत। थाना इतमादौला में एक लड़की जो है छत से कूद गई है और उसका मेडिकल जो है उसको मेडिकल एड के लिए जो हॉस्पिटल ले जाया गया है साथ ही साथ उसका जो है मेडिकल भी करा लिया गया है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उनके आधार पर विधि। और जनपद मऊ में माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है विभिन्न क्षेत्रों में मूर्तिकारों द्वारा प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं रासायनिक रंगों से होने वाले नुकसान को देखते हुए मूर्तिकारों ने केमिकल युक्त रंगों के प्रयोग से दूरी बना ली है और मूर्तिकार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं। रूपचंद्र गौतम अपने 2 बेटों और 4 कारीगरों के साथ मिलकर पिछले 3-4 महीने से माँ दुर्गा की 25 मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। वहीं पूजा समितियों ने कई सप्ताह पहले ही दुर्गा की कई प्रतिमाओं की एडवांस बुकिंग भी करा ली है। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव 24। धन्यवाद।